व्यास पूजा का पूर्ण पर्व सोमवार 3 जुलाई महापूजन शहंशाह पैलेस आरती चौक फिरोजपुर रोड लुधियाना प्रातः 9 से 11 बजे तक। निश्चित रूप से गुरु पूजा तो 3 जुलाई की है, परंतु यहाँ श्री राम शरणम श्री राम पार्क सिविल लाइन्स लुधियाना में गुरु पूजा के उपलक्ष्य में कल 2 जुलाई दिन रविवार प्रातः 8:30 बजे से 5 मिनट पूर्व ही ज्योति प्रज्वलित कर दी जाएगी और अमृतवाणी के पाठ के साथ ये यज्ञ हमारा आरंभ हो जाएगा। व्यास पूजा का पुण्य पर्व और गुरु पूर्णिमा, इस महापूजन में कल रविवार को पहले अमृतवाणी का पाठ होगा, भजन कीर्तन होंगे, गुरु महाराज की वाणी को स्मरण करेंगे, ठीक 10 बजे राम नाम की ध्वनि के साथ राम नाम की धुन लगेगी, सप्तम स्वर पर जब धुन पहुंचेगी तो वहीं पर धुन को विराम दे दिया जावेगा और 24 घंटे का अखंड जाप आरंभ हो जावेगा। यह यज्ञ साधारण नहीं है, इसमें देव आदि देव स्वयं विराजमान रहेंगे। अध्यक्ष पद पर इस गुरु पूर्णिमा पर विशेष कृपा साधक अवश्य में प्राप्त कर लेवेंगे, क्योंकि विशेष कृपा इसलिए हम नित प्रतिदिन एक एक पौड़ी एक एक पड़ाव साधना के उच्चतम शिखर तक पहुंच रहे हैं। विचार करना, 4 साल पहले 3 साल पहले 2 साल पहले 1 साल पहले हमारी अवस्था क्या थी? भ्रम भूल में भटकते, मार्ग मिल गया था, गुरुदेव मिल गए थे, परंतु गुरु महाराज की वाणी को समझने में और अपने व्यवहार में ले आने में समय लग रहा था। गुरुदेव कृपा से एवं श्री राम कृपा से उन पड़ावों को भी हम पार कर गए। आज जो अवस्था है 4 साल पहले नहीं थी, आज जो भाव है, आज जो दृढ़ता है, आज जो निश्चय विश्वास है, वो पहले नहीं थी। क्यों? पहले अनुभूतियां नहीं थी, अब अनुभूतियां हैं, अपने अनुभव है। गीता प्रमाण है, जो साधक इस प्रकार गुरु आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन जपान चलाते हैं, वह निश्चित रूप से कुछ जन्मों के पश्चात अपने लक्ष्य ब्रह्म धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। इस साधना में सबसे बड़ी विशेषता यह है, जहां तक ये साधना हमारी इस जीवन में हो जावेगी, वह निष्फल नहीं जावेगी, वह समाप्त नहीं होने वाली, अवधि पूरी हो जावेगी, कोई चिंता नहीं। परंतु जहां साधना छूटेगी, जितनी अवधि लिखी है, अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में वहीं से साधना आरंभ हो गई, तो इसलिए विशेष कृपा है हम सब पर। अब साधक कहां तक पहुंच गया? पहले कभी ना कभी कोई चिंता हो जाती थी, क्या होगा, कैसे होगा,
ऐसा ना हो जावे, वैसा ना हो जावे, मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाया करती थी। परंतु अब जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही है। मानव जान जाता है मैं तो अपने बहुत से प्रयत्न करते हैं, यतन बहुत सुख के किए, मैंने तो बहुत बार यतन किए थे सुख के, दुख के किए ना कोई, मुझे दुख प्राप्त हो ये तो कभी कभी भी मैंने ये प्रयत्न किया ही नहीं। प्रयत्न तो सुखों के किए थे, दुख का कोई प्रयत्न किया ही नहीं था। फिर भी जीवन में बाधा आई, विघ्न आए, दुख आए, क्या ये चाहने से आए? नहीं, चाहता तो सुख था, अनुकूलता था। क्यों? प्रभु भावे सो होए, जो उसको भाता है, जो उसकी इच्छा होती है, होता तो वही है। अब ये समझ आ गया, अब उसकी इच्छा अपने अनुकूलित कैसे की जावे। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले। मन में तो सुख की और सभी अनुकूलता की इच्छा है, मन मांगा फल तब मिले। जपे राम का नाम, जो बिगड़ू सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़ू, मैं तेरी शरण में नाम का जाप करूं, मैं पराये पर्दे क्यों उठाऊं। अब ये भी समझ आ गया, गुरुदेव कृपा से, नाम जाप के प्रभाव से अनहोनी होनी नहीं। अगर उसके विधान में कोई नहीं होने वाली वस्तु है, नहीं सम्मुख समय ऐसा आने वाला है, अनहोनी है, जो उसके विधान में नहीं है, वह तो होगी नहीं। होनी है सो होए, जो होनी है उसको कौन रोक सकता है। अब यह भी समझ आ गया, किसकी कृपा से? गुरुदेव कृपा से। बिन गुरु होए के ज्ञान, गुरु के बिना तो ये ज्ञान होता नहीं। ज्ञान के होए बेरागु बिन, अब जब तक ये ज्ञान नहीं गुरु देगा, ये ज्ञान होगा नहीं और इन विषयों की ओर से वैराग नहीं होगा, ललायत रहेगा मानव। 4 साल पहले अपना निरीक्षण कर ले हम और आज निरीक्षण कर ले। पहले माया के पीछे कितना दौड़ते थे, अब विरक्ति कैसे आ गई, अब उस ओर मन पहले 100% था, अब 1% रह गया। समाप्त तो होता नहीं है, क्योंकि ये विद्यमान है इस प्रकृति में, पूर्ण रूप से इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, इनको दबाया जा सकता है, इनको कम अथवा अधिक अपने भाव के अनुसार किया जा सकता है। अब साधक कहां पहुंच गया? बड़े प्रयत्न किए थे, लेकिन जो उसको भाता है होता वही है। अब गुरु महाराज की वाणी समझ आ जगी, तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तेरी इच्छा के बिना तो अनगिनत अरबों खरबों पत्ते हैं वृक्षों पर, एक भी पत्ता तेरी इच्छा के बिना हिलता तक नहीं।
ये फुलवारियों में फूल तेरी इच्छा के बिना नहीं खिलने वाले। इसलिए राजी हूं जिसमें तेरी रजा है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उनका प्रवचन 1959 अप्रैल महीने में, 9 अप्रैल का महाराज ने उच्चारण किया। देवी संपत्ति, देवी देवता कदापि भय नहीं करते, कदापि अनुचित मार्ग पर नहीं चलते, कुपथ उनके जीवन में है ही नहीं, सन्मार्ग पर चलते हैं, निर्भयता और समर्पण, ये देवी देवताओं के गुण हैं, ये दैवी संपत्ति है। क्या है वही संपत्ति? परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, इनके जीवन में जो भी कोई इनके पंच भौतिक धाम में रहते हुए, वह शक्ति आज भी वही कार्य कर रही है। हम सब तो निमित्त हैं, शक्ति तो गुरुदेव की ही आज भी बड़ी प्रबलता से कार्य कर रही है। गुरुदेव ने मार्ग दे दिया, राजी हूं जिसमें तेरी रजा है, जहां तू रखे वही वाह वाह है, जहां तू रखे। ये आज हमारी स्थिति हो गई। आज वह ललायत नहीं होते, क्यों? अगर अपने मन के अनुकूल चाहते हो, अगर कोई परिवर्तन चाहते हो, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था उस विधाता के विधान में मेरा भी कुछ दखल चलता है, परंतु सिंधु समुद्र में एक बिंदु के समान, एक बिंदु के समान महाराज का दखल जन्म जन्मांतर की हमें पूंजी दे देवे, एक जन्म नहीं, ऐसे गुरुदेव की चरण शरण में बैठ करके अगर किसी का मन नहीं पलटता तो उसके प्रारब्ध कितने कड़े होंगे, कितने पाप कर्म उसने किए होंगे, जो मन इतना कड़ा जिसमें विनम्रता ना होवे, जो गुरुजन के सम्मुख ना झुक सके। ये प्रारब्ध की पूंजी समाप्त यूं ही नहीं हो जाती, क्यों? प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। इसलिए जब ये ज्ञान हो गया कि प्रारब्ध में जो संचित की हुई है पूंजी, अच्छी अथवा बुरी, वह तो अपना फल दिखाएगी, परंतु गुरुदेव ने क्या कहा? देव आदि देव की वाणी है, अवतरित वाणी, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, अर्थात बाधा विघ्न विनाशो, सच्चे संत की शरण में आ गया। तेरे जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधा विघ्न यह तो दूर अवश्य मेव हो जावेंगी, परंतु कब? अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, जो आज तक हो चुका उसके लिए क्षमा याचना, आगे को ना करने का वचन, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम नाम का नाम, ये राम नाम का जाप करके तेरी मनोकामनाएं ही पूर्ण हो जावेंगी। अब ये रह गया कि जो प्रारब्ध में बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसके लिए गुरुदेव मैं क्या करूं? महाराज बड़े कृपालु, बड़े दयालु, हे प्यारे तू राम नाम का जाप कर। गुरुदेव
क्या इससे मेरा निस्तारा हो जावेगा? प्यारे तू राम नाम का जाप तो कर, पहले जो पिछले जन्मों में या इस जन्म में जाने अनजाने में तूने विपरीत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। किसने मार्ग दिया? गुरुदेव ने दिया। जब तक तू अपने उन पापों को भस्म नहीं करेगा, क्योंकि पाप तूने स्वयं किए हैं, अब गुरु द्वारे पर आ गया है, क्या कह रहा है? गुरुदेव कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा प्रसाद है राम की देनी। अब कृपा, गुरुदेव अपनी पूजा तो कभी करवाते ही नहीं ने, वह तो राम के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं ये राम नाम मेरा अजमाया हुआ है, जैसे मुझ पर कृपा हुई है ऐसे तू भी जपेगा तेरे ऊपर भी कृपा हो जावेगी। जो तेरे जीवन में बार बार बाधा आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, जपना राम नाम है सुकृत। अब पाप कर्म तूने किए हैं, अब सुंदर कर्म भी तुझे करने होंगे। सुंदर कर्मों में पहला ही है राम नाम का जाप। ये सुकृत कर्म ये तुझे सभी बंधनों से मुक्त करवा देगा, जो तूने बंधन खुद डाल रखे हैं। जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। जब स्वयं किए थे तूने, अब उनको भस्म भी तुझे करना पड़ेगा। यह अवश्यमेव नष्ट हो जावेंगे। मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। अब जब तू सुखों के लिए याचना करेगा, मन की शांति, शारीरिक सुख, आत्मा को आनंद, और आत्मा का आनंद क्या है? उस परम धाम में परमानंद की प्राप्ति करवा देना कोई कठिन नहीं है, ये तेरे अपने हाथ में है। अगर अनाप शनाप कर्म करता चला जाए तो कोई ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए गुरुमुख वचन उल्लंघ कर, कोई भी गुरुमुख जो वचन है इसकी उल्लंघना करके कहीं पर भी चला जावे, जहां जाए वहां काल है, जहां जाएगा वह काल है उसके लिए, कोई भी बंधनों से नहीं मुक्त हो पावेगा। इसलिए बावरा पागल बन के ना जियो, जाग जाग जन बावरे, खोल ही आके नेत, तेरी गहरी नींद में चुगिया चिड़िया खेत। तारक मंत्र राम है, ये जीवन जो मिला है ना अपने समस्त बंधनों को काटने के लिए, इनसे मुक्ति के लिए मिला है। और साधन इस भवसागर से पार पा जाने का गुरुदेव देते हैं। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। निश्चय मैं गारंटी करता हूं, तू निश्चय कर ले, तू विश्वास कर ले, तू दृढ़ व्रति हो जावे, तेरा निस्तारा अवश्यमेव हो जावेगा, चाहे तू पापियों से बड़ा पापी भी क्यों ना होवे। ये हैं गुरु महाराज। और कल रविवार को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रातः 8:30 बजे, आज ही रात्रि को शिमला से साधक पहुंच जावेंगे। कल को तो सारे भारतवर्ष में से साधक सम्मिलित हो रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा के पूजन के लिए। हे देव आदिदेव, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, आपका मंगलमय हाथ हम सबके शीश पर सदैव बना रहे। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद, हे देव आदिदेव, हे गुरु महाराज,
हम सभी सदा प्राप्त करते रहें आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्ति।